यात्री खड़ा रहे एक पैकेट गोरखपुर की जो मंदिर में घटना घटी थी बड़ा ही दुर्भाग्यजनक है, और इस ढंग से अकेले व्यक्ति हथियार लेकर ललकार को मारने के लिए जाना, ये उसके दुस्साहस का ही परिचय है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध जबरदस्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, राजस्थान के राज्यपाल भी हैं और राजस्थान में करौली में जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहना है? वो भी दुखद है, निंदनीय है, और जिस ढंग से पत्थरबाजी हुई, मैं कह सकता हूँ कि पूर्व नियोजित ये घटना हो सकती है। उसकी जांच चल रही है, जांच करेंगे, उसके बाद सारे तथ्य सामने आएंगे, सब पता लगेगा। इस तरह का कार्य निंदनीय है और इसको सावधानी से ध्यान देते हुए इस तरह की घटनाएँ ना हो, यह प्रशासन शासन को चिंता करनी चाहिए। सर, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं और राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पेट्रोल के दाम है, तो इसको लेकर वो बाध्यताएँ हैं, उसके आधार पर दाम बढ़ रहे हैं, इस संबंध में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।